अक्सर हम काफी सारे जॉब इंटरव्यूज देते हैं और जॉब इंटरव्यूज में एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन होती है और वो ये है कि पहला सवाल और आखिरी सवाल हमेशा फिक्स होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला सवाल हर एक इंटरव्यूअर ये आपको पूछता है कि कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, राइट। ये क्वेश्चन हमेशा श्योर शॉट आपको हर एक इंटरव्यू में मिलेगा एंड 90% ऑफ द स्टूडेंट्स मेस अप इन दिस। द वे यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इसके बेसिस पे आपका आगे का इंटरव्यू जाने वाला है, उसके बेसिस पे इंटरव्यूअर आगे के क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। बिकॉज इंटरव्यू इज ऑल अबाउट प्रोबिंग क्वेश्चंस। व्हाट इज प्रोबिंग? बेस्ड ऑन द प्रीवियस क्वेश्चंस यू हैव आंसर्ड, ही इज गोना बी आस्किंग यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हेंस इट इज इंपॉर्टेंट दैट कि आपका स्टार्ट एकदम परफेक्ट हो। और स्टार्ट को परफेक्ट बनाने के लिए मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो मेरे को जनरली जो सबसे अच्छा तरीका लगता है अपने आपका इंट्रोडक्शन का, वो ये है कि टॉक इन टर्म्स ऑफ योर जर्नी, कि सर मैंने अपनी जर्नी कहां से स्टार्ट की थी और आज मैं कहां तक के पहुंच पाया हूं, राइट। तो बेस्ट वे टू स्टार्ट इज, मैं थोड़ा सा आपको ध्यान से बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा और चाहिए तो यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन, राइट। सो बेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इज, आई एम शिवम पलन फ्रॉम गोंदिया विच इज अ प्लेस नियर नागपुर। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, मैंने मेरा छोटा सा टाउन है इज गोंदिया, अगर लोगों को नहीं पता है तो आई हैव मर्ज दिस टाउन विद अ लार्जर प्लेस विच इज कॉल्ड एज नागपुर। ओके, तो मैंने बोला आई एम शिवम पलन फ्रॉम गोंदिया विच इज अ प्लेस नियर नागपुर महाराष्ट्र। आई हैव कंप्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम CBSE बोर्ड वेयर आई हैव सिक्योर 9.2 CGPA इन 10th स्टैंडर्ड एंड 93.4% इन माई 12th स्टैंडर्ड। मैंने अपना एकेडमिक्स के बारे में बता दिया कि मेरा एकेडमिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, राइट। नाउ मूविंग टू, इसके बाद क्या कवर करना चाहिए? इसके बाद जनरली मेरे हिसाब से आपको कवर करना चाहिए कि आप कौन से एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में अच्छे हैं। व्हाट आर द थिंग्स यू आर गुड एट? You can talk about, I am good at playing cricket or sports, जो भी आपको बोलना है वो चीज आप कवर कीजिए। After that is done, very very important, यहां पे majorly अगर मैं बात करूं introduction का, तो interview is looking for your articleship journey based on which he is going to be hiring you. तो please आप ध्यान रखिए कि articleship journey को ज्यादा अच्छे से cover करना है। तो you can speak about where I have completed my articleship from ENY, which is ना विच इज अ लीडिंग फॉर्म, ई एन वाई तो बिग फोर्स है, तो यू कैन टॉक अबाउट वॉट ऑल एरियाज यू वर्कड ऑन। अगर इफ यू वर्कड ऑन सम मिड साइज फॉर्म और स्मॉल फॉर्म, यू कैन से फॉर एग्जाम्पल आई हैव कंप्लीटेड माई आर्टिकलशिप फ्रॉम एस के खुराना एंड एसोसिएट्स विच इज वेल नोन फॉर स्टेट्यूटरी एंड टैक्सेशन ऑडिट्स। ओके, तो मैंने फॉर्म की तारीफ कर दी थोड़ी सी। अब उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर दैट इज डन, वॉट यू नीड टू स्पीक अबाउट, यू नीड टू स्पीक अबाउट विच आर द क्लाइंट्स or which all the areas you have worked into, what all domains you have worked into, and this can be also related with your job description. Guys, please forget, do not forget, please do relate something to your job description which has been shared. Okay, so after that is done, you can talk about the major areas or the major clients which I have worked on, dot dot dot, iske baad jo bhi aapne kaam kiya hai, in this way you should cover it out. Sir, what is the duration for which I am going to be introducing myself? See, it's purely depending on the type of interviewer. बट जनरली इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 1 मिनट, है ना। अगर 1 मिनट से ज्यादा एकदम लेंदी मत कर देना, एंड हेंस आई आस्क्ड यू टू कवर इन टर्म्स ऑफ अ जर्नी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट, व्हाट आई हैव सीन इज स्टूडेंट स्टार्ट द जर्नी लाइक आई एम शिवम बलन, आई एम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई हैव कंप्लीटेड माई आर्टिकलशिप फ्रॉम दिस दिस दैट्स इट। ओ भाई नो, व्हाट यू नीड टू डू इज प्लीज स्टार्ट इन अ सिक्वेंशियल मैनर सो दैट इंटरव्यूज कम टू नो कि आप कब रुकने वाले हो। ओके, तो ये गलती मत करिए एंड प्लीज डू रिमेंबर दैट relate your interview introduction to the job description. Okay, all the best guys for your interviews. If you need any help, you can go to our description link. Lot of things we are doing for you guys for our interview preparation and job placements. All the best for your interviews guys. We'll meet you in the next video, which is gonna be related to what can be the last questions which you can ask to an interviewer. If you want that video, please click the like button.